सरकार वाली सरकार मुर्दाबाद, जोड़ों में धांधलियां करने वाली सरकार मुर्दाबाद। अज असी जो सुल्तानपुर लोधी की पवित्र नगरी विखे तलवंडी चौधरिया विखे सुल्तानपुर लोधी के अकाली दल के समूह आगू साहिबान वर्कर साहिबान नगर कौंसलर साहिबान पंच सरपंच साहिबान वालों जो पंजाब सरकार की रहनुमाई हेठ जिला प्रशासन वालों सुल्तानपुर लोधी प्रशासन वालों विशेष रूप से पुलिस प्रशासन वालों जो वधीकियां कीतियां गईयां जो जुल्म ते तशद्दुद आया गया उस दे खिलाफ असी रोस धरना दिता है और मैं समूह संगत का धन्यवाद भी कर दी हाँ। और असी जिला पुलिस प्रशासन तो ये मंग करते हाँ, पंजाब सरकार तो ये मंग करते हाँ कि जो 14 फरवरी की रात नू इन्होंने बिल्कुल निराधार बेबुनियाद साढ़े 21 श्रोमणी अकाली दल नाल संबंधित आगुआ ते जो 307 ते होर दफा ला के झूठे केस बनाए ने वह झूठे केस जड़े रद्द किए जाण तो उन्हां व्यक्तियां ते जिन्हां ने गोलियां चलाईयां जिन्हां ने बूथ कैप्चरिंग करन दी कोशिश कीती जिन्हां ने अंदर जाके जाली वोटां पाउण दी कोशिश कीती और जिन्हां गिल परिवार और संधु परिवार बाकी सारे वर्कर साहिबान ने उसका टाकरा किया तो उन्होंने अजिहा करन तो रोकिया जिहदे करके ये टकराओ होया ते टकराओ जिहड़ा सी पुलिस नूं मदद करनी चाहीदी सी कि गलत काम ना होए पर पुलिस मूक दर्शन बनी रही मैं तो कहंगे सहायक बनी रही नहीं तो अजिहा काम ना होंदा। और सहायक बनने की अगली मिसाल की है कि जिहड़े व्यक्ति एट द रिसीविंग एंड सन जिन्हां ते जुल्म ढाया गया उन्हां ते ही 307 दे केस बनाए गए ते जिन्हां ने गोलियां चलाईयां बूथ कैप्चर करन दी कोशिश कीती जाली वोटां धक्के नाल पाउण दी कोशिश कीती उन्हां ते कुछ भी नहीं खाना पूर्ति कीती है। तुसीं FIR पढ़ लो आप जी ने। सो असी इस गल दी भरपूर निंदा भी करदे हां और इहदे खिलाफ असी डट के सामना करांगे और उन्नी देर साह नहीं लाँगे जिन्नी देर तक कि जो गलत झूठे परचे दर्ज किए गए ने उन्होंने रद्द नहीं करवा लेंगे तो जोड़े असल दोषी ने उन्होंने केस दर्ज। बोले एक तो वीडियो की भी गल कर रहे हो कि जी बारे गल कर रहे हो वीडियो जी है ये मौके के उत्ते प्रशासन वालों भी वीडियो बनाई गई है और जो आप जी मोजिज पत्रकार हो आप जी वालों भी वीडियो बनाई गई है और ये सारा सीन जड़ा साफ स्पष्ट है कि कौन दोषी है तो कौन नहीं है तो जे पुलिस प्रशासन उस अनदेखिया करके तो झूठा केस बनाउंदा है तो साढ़े विरोध का तो फिर पूरा जायज़ कारण है तो असी विरोध करते रहेंगे जिनी देर तक असी न्याय हासिल नहीं करते। इस संबंधी तो सीनियर लीडरशिप नाल भी गलबात की? हाँ की है। बिल्कुल वो सारे इंटरवीन किया और सारा कुछ समझाया कि तुसी गलत किया। ਉਹਨੇ DSP ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰਚੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 307 ਅਰਾਦਾ ਕਤਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 6 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ 307 ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨਰਮ ਜਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ। ਬੀਬੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ जो असी मौके पर देखे नहीं तो किदा हो जाते और अद्धी रात जिहड़ा परचा दर्ज हुंदा साढ़े कोल इत्थे कह के गए ने DSP वीर जिहड़े नाल दूजे सीनियर ऑफिसर सन कि परचा दर्ज हो जाएगा बिल्कुल आप जी ने इंसाफ मिलेगा तो इंसाफ मिलने का ढंग है कि जिन्हां ते गोलियां चलाईयां गईयां उन्हां ते 307 दर्ज होया ते जिन्हां ने गोलियां चलाईयां जिहड़े अरादा कतल नाल बूथ कैप्चर करन नाल जाली वोटां पाउण लई धक्केशाही कर रहे सन उन्होंने स्कॉट फ्री जान दिता खाना ही पूर्ति की है वह धारावान पढ़ लो तीन तो लगता कुछ भी नहीं। असी पहला हाँ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उन्होंने घटना संबंधी जानकारी दी है दोष लगाया है कि वार्ड नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन के उत्ते अकाली आगुआ वालों वर्करा वालों आम वोटर उन्होंने जमहूरी हक तो रोकया जा रहा जिहदा कांग्रेसी वर्करा ने विरोध किया
ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਆਲ ਦਿਸ, ਨੰਬਰ ਵਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਦਿਸ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾ ਲਈਏ? ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਮਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕਰੋਗੇ? Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.